मुझे बेहद खुशी है। ये बताते हुए कि भारत के अंदर मसीह मंथन बैठक के हमारे जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी मसीह मंथन के फॉलोवर्स हैं, उन सभी के साथ रूबरू फेस टू फेस फिजिकली आप लोगों के साथ में आकर संगति करने का, आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु की बातों को सिखाने का कॉन्फ्रेंस के रूप में तो लिखा है 25 दिन में हम जो है 10,000 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों के बीच में तय करने वाले हैं। और जो कॉन्फ्रेंसेस हम करने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में 2024 में, जो कि पहला कॉन्फ्रेंस होगा गुजरात में, और ये वो नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। तारीख है 2 और 3 को मैं आ रहा हूँ गुजरात के व्यारा में, और वो कहाँ है क्या है इसकी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। उसके बाद मैं आ रहा हूं 5 अप्रैल को दिल्ली में, जिसके लिए इस नंबर पे आपको फोन करना है। और यहां से आप लोगों को कौन सा एड्रेस है, कौन सा वक्त है, ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन तारीख है 5 तारीख। उसके बाद हम जा रहे हैं 7 अप्रैल को लुधियाना। इस नंबर पे आपको फोन करना है कि कॉन्फ्रेंस की हॉल कौन सी है, कौन सी जगह है, और वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस नंबर पे मिल जाएगी। उसके बाद में हम पहुंचेंगे 9 तारीख को यानी कि 9 अप्रैल को शिमला, और उसके लिए आपको इस नंबर पे फोन करना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे नेपाल, और हम पहुंचेंगे 11 तारीख को, और जिसके लिए इस नंबर पे आपको फोन करना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे 13 तारीख को उत्तर दिनाजपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, और इस नंबर पे आपको फोन करना है, और ये बाकी जानकारियां आपको यहां से मिल जाएंगी। उसके बाद हम पहुंचेंगे 14 तारीख को सिलीगुड़ी, और यहां पे इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। 16 अप्रैल को हम पहुंचेंगे अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हम पहुंचेंगे खेरागढ़, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। 17 अप्रैल को हम यहां पे पहुंचेंगे, 19 अप्रैल को हम पहुंचेंगे रांची झारखंड, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारियां मिल जाएगी। 20 अप्रैल को हम रहेंगे मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद 21 अप्रैल को हम रहेंगे कोलकाता में वेस्ट बंगाल, और इस नंबर पे आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। और आखिर में 27 अप्रैल को हम जो है पहुंचेंगे गोवा। तो इन सभी जगहों के जितने भी मसीह मंथन बैठक के लोग हैं या आसपास के, अगर आप आना चाहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए और प्रभु के राज्य में आप लोग जो हैं बढ़ चढ़कर परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर की महिमा करें, और साथ ही साथ में आप लोगों के साथ मुलाकात हो, आपके साथ में संगति कर सकें। इसके लिए मैं अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से खुशी महसूस करूँगा कि आप लोगों के साथ हम संगति कर पाएंगे ना दोस्तों।